पिता चाहे बच्चे के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन वो माँ नहीं बन सकता। ऑब्वियसली माँ तो माँ होती है, लेकिन माँ बाप जब दोनों मिलकर बच्चे का पहला मदर्स डे मना रहे हों तो वो कैसा होगा? चलिए आपको लिए जाते हैं रुस्लान के घर। और उनकी पत्नी निराली का हर पल खुशी से भरा हुआ है, क्योंकि उनका परिवार पूरा जो हो गया है। बेटे रयान के आने से मम्मी पापा की जिंदगी पूरी बदल गई है। अपनी पत्नी निराली के पहले मदर्स डे को खास बनाने के लिए रुस्लान ये खास फोटो शूट कर रहे हैं। बचपन को यादों में कैद करने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? रयान मेरे हिसाब से बिल्कुल सही वक्त पर आया है, क्योंकि इस वक्त हम दोनों घर पर हैं। निराली तो वैसे भी 6 महीने के लिए घर पर रहने वाली थी, बट लकीली या अनलकीली कह सकते हो आप, क्योंकि इतना बुरा माहौल है बाहर, पर हमारे घर के अंदर का माहौल तो बहुत खूबसूरत है। मैं भी एक मदर की तरह ही फील करता हूँ। जितना निराली बेबी के लिए कर सकती है, एक्सेप्ट फॉर फीडिंग ऑफ कोर्स, वो सब मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो उसका बर्पिंग हो या उसका नहलाना हो, ये मुझे भी करने का मौका मिलता है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग। रयान के हिसाब से ही हमारी ज़िंदगी अभी चल रही है। उसके नहाने का टाइम, उसके खाने का टाइम, उसी के हिसाब से हमारा रूटीन भी बन रहा है। एक्चुअली कोई रूटीन ही नहीं है। खुशी के साथ ही ये सारे पल भावुक भी हैं, क्योंकि अब तक निराली ने अपनी माँ के साथ मदर्स डे मनाया था, लेकिन अब वो अपने बेटे के साथ ये दिन मनाएंगी। मैं बहुत ही ज़्यादा आई थिंक इमोशनल हो गई थी जब रयान को मैंने अपने गोद में लिया था पहली बार। मैंने उसको अभी याद है मुझे कि मैंने उसको उसके फोरहेड पे किस दिया था, और मैं वो फीलिंग एक्चुअली एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। पहले मैं मदर्स डे अपनी मम्मी के लिए मनाती थी। मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि कभी मदर्स डे मैं अपने लिए मनाऊंगी, पर फीलिंग बहुत बहुत अच्छी है, और अब रयान और मैं मदर्स डे मनाएंगे। वैसे आपको बता दें कि रुस्लान और निराली का ये नन्हा मुन्ना अभी 2 महीने का भी नहीं हुआ है, लेकिन उसे पल पल निहारते रहना रुस्लान और निराली के लिए एक अलग ही एहसास है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।